सेकेंड ब्लॉग स्टार्ट हो चुका था और यहाँ मैं दिखाती हूँ अवनी को क्या क्या गिफ्ट मिले हैं। तो जो इसकी फ्रेंड गिफ्ट लाई थी वे बोल रही थी कि गैल की गैल खोल के अभी देख ले तू क्या क्या हमने दिया है। तो ये इसकी मौसी की लड़की ने दिया है। ए खुलवा रहा, ए मदद करवा रहा, क्या बात है। बस रुक जाओ, बस रुक जाओ, हाँ खोल दिखाओ क्या। ओ खोल तो, उठा के खोल, खोल तो। वाह वाह, कितना प्यारा लग रहा है। नहीं करो, यूं ना निकालो, टूट जाए। ऐसे मत निकाल यार, अच्छा लग रहा है। सो स्वीट, थैंक यू, वेलकम। अब आप दिखाओ दोनों। चलो भाई, अब ये परी दीदी ने और रितिका ने, इसकी फ्रेंड ने, और ये नेहा ने दिया। स्नेहा, स्नेहा आप जानते तो होगी। मिलो मिलो मिलो, ये रही हाय, ये रितिका सिवा। हेलो करो सिवा, हेलो करो, केक देंगे अभी। रुक, अभी मैं यहाँ पर है ना, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और मैं जितने भी कपड़े इधर उधर फैल रहे हैं सब मेरे को समेटने हैं। और ये अवनी का फ्रॉक है, ये भी उठा के रखना है। अभी कपड़े स्टॉल चुन्नी वगैरह फैल ही जाते हैं, आप समझ सकते हो भाई। कल है ना काम ज़्यादा हो रहा था, आज थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। उधर जितने भी कपड़े हैं वो सब उठा के एक साइड रख दूँगी, फिर बाद में जैसे ही फ्री हो जाऊँगी सारों की। सुबह में थोड़ा सा काम फालतू होता है क्योंकि अवनी को भी स्कूल भेजना होता है और फिर कायरो बाबू भी उठ जाते हैं, घर का भी रहता है, तो सबसे पहले उसी का करती हूँ मैं। काफी लेट तक बच्चे रहे और फिर वे खेलते भी रहे। उसके बाद बरामदे में झाड़ू लगाती हूँ ना, देखो ये भी कितनी सी हो रही है, बिल्कुल खत्म हो रही है। इससे बरामदे में झाड़ू लगाई जाएगी, लगा भी रही थी मैं, आप लोग देख सकते हो हम किस तरह की हालत में जीते हैं वो हमें ही पता है। अभी यहाँ पर आप लोगों के से बात करके झाड़ू के बारे में बता के फिर मैं अभी पहुँच गई हूँ चूल्हे के आगे और मुझे करना है चूल्हा साफ, क्योंकि इस चूल्हे को कभी मम्मी बरत लेती है और कभी मैं। काफ़ी टाइम से मैं इसे नहीं बरत रही हूँ, मम्मी बरत रही है, पर ये नहीं कि मम्मी ही साफ करेगी। मैंने सोचा चलो मैं साफ कर देती हूँ, काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है। सो मम्मी ने इस पे पानी गर्म किया तो लकड़ी वगैरह पड़ी हुई थी। हाँ वो तो इतना ज़्यादा नहीं करती, मतलब ध्यान वगैरह उठाने उठाना लकड़ी वगैरह, तो मुझे लगा कि साफ़ कर देती हूँ। कल फिर किया, दो दिन से मैं इस पे चूल्हे पे पानी गर्म कर रही है। तो अभी इसका जो साख सारी यहीं पे उठा दूँगी, जो पत्ते हो रहे हैं इधर उधर आम अमरूद के, अमरूद की लकड़ी के ढेलो जला। राख कूड़ा यहीं पे इकट्ठा करके बाहर बाहर का मैं उठा दूंगी, अंदर की राख जो है ना वो अलग से उठाऊंगी, बाहर का कूड़ा अलग। ये दो इंटी रखी हुई है जिन पर बैठ जाती है मम्मी, बर्तन वगैरह साफ कर लेती है। पटड़ी भी है पर वो ज़्यादातर इंटी पे बैठ के ही साफ करती है, इस कूड़े को उधर डाल आते हैं। बस कूड़ा है ना इस साइड डाल के आ जाती हूँ मैं। मुझे कुछ कमेंट आ रहे, इतना बड़ा बगड़ है साफ करके सब्जी उगा लो। देखो मैं उगाने को सब्जी उगा लूंगी पर यहाँ पे ना बुग्गी है, टीलर है, फिर ये लोग बुग्गी टीलर लेने आएंगे, उधर टावर वाले आते हैं, कहीं सही तरीके से जगह नहीं है मैं सब्जी बोलूँ। बहुत सारे लोग बोल भी देते हैं कि दीदी आप टावर में सब्जी उगा लो, वहाँ तो काफ़ी जगह है। तो वहाँ मैं सोचती हूँ उगाने की, तो जैसे मैंने दो चार दिन गोसे पाते तो टावर वाले में एक अधिकारी आया, बोला कि यहाँ पे गोसे मत पाथो। वो भी इसलिए बोल रहे थे कि हमारे से ऊपर जो अधिकारी है वो हमको डांटेंगे अगर हम यहाँ पे, मतलब जो है ना आप गोसे वगैरह पाथोगे तो आप मत पाथिए। फिर कुछ दिन मैंने यहाँ पाते थे, फिर कुछ दिन छत पर। बस इसी वजह से मैं टावर में सब्जी नहीं उगाती, बाहर अगर मैं उगा लूँ तो उधर साइड परली साइड भाई साहब की जगह है। एक दिन आपको वीडियो में बताऊंगी कितनी उनकी जगह है, तो वो अपनी जगह में सामान वामान रखने के लिए आ जाते हैं। जैसे गठड़ी वगैरह खड़ी कर दी, जो सब्जी बोऊँ भी तो सारी ख़राब हो जाएंगी, फिर बताओ आप कहाँ बोऊँ मैं। जिस साइड ईंट है मैं सोचती हूँ कि ईंट हट जाए या कोई ईंटी लगा दे या कोई लगवाने वाला मिल जाए, तो सब उक्के तुक पैसे मांगते हैं, सारे काम मैं ही करा दूँ, इनकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। फिर लोग बोलते हैं कि तू इनको उल्टा सीधा बोलती है, बताओ थोड़ी बहुत जगह तो निकल आएगी, वहाँ पे काफ़ी सारी
सब्जी उग जाएगी अगर इंटी हट जाए तो। ये काम मेरे बस की है क्या? इंटी भी मैं ही लगाऊं, घर का काम भी होता है, दिन छोटा है। तो चलो मैं अगर लगाना चाहूं तो 6 से 7 दिन मुझे उन इंटियों को लगाने में लग जाएंगे। इंटियों के चक्कर में थक जाऊंगी, बच्चे भी, बाहर का काम भी, घर का काम भी, कैसे मैनेज करूंगी? मुझे तो कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई एक गिलास पानी भी दे देगा अगर मैं पड़ भी गई उस काम को करते करते। है अगर मेरे पास तो मेरी बेटी, पर वो छोटी है, इतनी बड़ी नहीं जो सारा काम मैनेज कर लेगी अगर मैं पड़ भी गई। उसके बस की होता है वो कर लेती है। और अभी मैं दो रही हूँ चौकी, तो पता है ना ऊपर से टावर पे कबूतर बैठते हैं, सारी चौकी पर बीट कर देते हैं, सारी खराब हो जाती है। फिर तो बार दिन भर मतलब पूरे दिन जो काम करके छोड़ते सुबह तक सारी खराब मिलती है। फिर उसको लाइट आने के बाद में साफ करना पड़ता है मुझे, तब काम करती हूँ मैं इस पे, सारे पे बीटी बीट हो जाती है। साफ कर दी मैंने, बीट कर देते हैं कबूतर, सारी चौकी खराब कर देते हैं। और अभी ये छन्ने, 2-3 छन्ने मैंने भिगो के रखे होते, वे धोने थे। उससे पहले ना नाली में पानी नहीं निकल रहा था बिल्कुल भी, यहीं पे इकट्ठा हो रहा था सारा। थोड़े फावले से मट्टी निकाल, पानी जाने की जगह हो गई। फिर ये जो छन्ने मैंने 2-3 भिगो कर रखे हुए थे वे धोए। किचन में स्लिप साफ करने के, हाथ पोंछने के मेरे कभी कभी काम आ जाते हैं। ती वगैरह गई थी, मैंने ऐसे ही बना लिया उनको पूरे के पूरे, आधे आधे पीस बना के। दिक्कत हो गई सिलाई मशीन में, सोची थी काट छाट के बनाऊं, कुछ बिगड़ा और नया सिस्टम बिगड़ के धर जाता है। वहाँ पे अभी मैं ना कैंपर साफ कर रही हूँ, अच्छे से मांझ के थोड़ी सी देर के लिए धूप में रख दूंगी इसको, एक आध घंटे के बाद मैं पानी भरूंगी। 4-5 दिन में कैंपर को धूप में सुखा के फिर दोबारा अच्छे से सर्फ से मांझ के तब इसको मैं ना धूप में सुखाऊंगी, क्योंकि मट्टी जम जाती है धूल मट्टी, तो मतलब मेरा मन नहीं मानता। वैसे तो हम रोज साफ करके भरते हैं, पर सर्फ से साफ करके 4-5 दिन में एक बार, कहीं कहीं बार पानी से खोल के मैं इसको है ना बुग्गी पे सुखा दूंगी, जिससे ये ना 1-2 घंटे की धूप लग जाएगी, अच्छे से सूख जाएगा। फिर उसके बाद इसमें पानी भरूंगी। सुबह सुबह मुझे बहुत काम रहता है, मुझे क्या सभी को होता है, पर मेरे सर पे से भी टोपा नहीं उतरता बिल्कुल भी। मेरे सर में ना दर्द रहा है ऑलरेडी, सिर मेरा पहले से ही कमजोर है, तो मैं अपना क्या टोपा बिल्कुल नहीं उतार। 2 महीने ऐसे होंगे मेरे सर पे से बहुत कम, मतलब बीमार हो जाऊंगी अगर मैं सर पे कैप नहीं रखूंगी तो। मुझे ज्यादातर रखनी पड़ती है। और अभी का सारा काम खत्म करती हूँ। ये चप्पल मेरी है ना मट्टी में हो रही थी, इनको भी मैंने धो दिया। चौकी पे जरा सा कुछ चप्पल धरे जावे एकदम मट्टी हो जावे, बहुत के नीचे आवे गिल्ली चौकी पे। मुझे तो अगर बाहर चौकी वगैरह साफ करके अभी आ चुकी हूँ मैं यहाँ पे बाथरूम में, मुझे बाथरूम साफ करना है। तो जितना भी सामान यहाँ कर रखा हुआ था वो सारा मैंने इसमें छोटा सा एक वो बना के रखा हुआ है, बोलते हैं इसको जो भी बोलते हैं, मैं तो भूल जाती हूँ। इसमें मैंने ये सारे सामान डाल के रखी है, साबुन, कोलगेट, फेस वॉश, नहाने के पानी में अपने ज्यादातर डाल के मैं नहाती हूँ ना, जो इन्फेक्शन है गंदगी वो काफी दूर रहती है शरीर में, बहुत अच्छा रहता है। डिटोल तो वैसे भी ना अगर पोछा लगा उसमें भी डाल लेते हैं पानी में। फिलहाल जो है ना बस है ना बाथरूम हो दिया, और जो साथ के साथ यहाँ पे है ना टीन में मैंने झाड़ू भी लगा दी है। और आज जो है हमारी बाइक भी यहीं खड़ी है, टंकी मेरी नाज की काफी टाइम से यहीं रखी है हुई है। मैं बताओ रखू भी तो रखू कहाँ, बरामदे में भी ऐसे कहीं रखने की जगह नहीं है। देती यहाँ पे भी झाड़ू लगा दी, सारा कूड़ा इकट्ठा कर दिया, बहुत साफ कर दिया। हमारी यूट्यूब फैमिली कैसे, आप सभी उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, आप कहोगे दीदी ने आज तो घर में ज्वेलरी पहन रखी है। मैं ना वीडियो शूट कर रही थी तो मैंने तब ये डाल ली थी। फिलहाल मैं ना देर हो रही थी, सब्जी छोंक रही हूँ, उसके बाद मैं निकाल लूँगी। पहले मैं सब्जी छोंक लूँ, एक मिनट भारी बीच रही है, 11 बज गए, वीडियो शूट करने के चक्कर में भूख लग रही है अभी हम लोगों को। और आप लोगों के एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, आज की वीडियो में तो शेयर नहीं की, अगली वीडियो में फिर कभी शेयर करूँगी। फिलहाल दिखा देती हूँ, सुबह मैं बना ली थी वो चीज़, चलिए दिखाते हैं क्या है। नेल पेंट भी छूट गई। ब्रेड और पापे की खीर और किस तरह बनाई जाती है, क्या क्या और इसमें डलता है वो सब आपको बताया जाएगा। पर इतनी टेस्टी लगती है ना खाने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी। थोड़ी सी बनाई थी आप लोगों के साथ में शेयर कर दी, फिर कभी इसकी वीडियो शेयर करूँगी। तो चलिए फिर आपसे थोड़ी देर के बाद मैं बात करती हूँ, सब्जी चौंक लगती हूँ। तवा नकल जी बंदर।
नकल जी बंदर आ गए है यहाँ। ये मेरा बंदर है, मेरा गुट्ठा। और कौछ लग गई रे, नखून कहाँ उठ गए, पैर के नखून कहाँ है, खाली खाओगा खाओगा ना नहीं करेगा, भूख लगा है तो खा लू नखून खाओगा, रोटी नहीं कर रहा ये रोटी खावट है रोटी का बहाना लेकर नखून खाए, बहाना लगा कर नखून खाए, सोएगा सॉरी आज के बाद नहीं खाऊं उनको मम्मी, आज के बाद खाऊंगी खाओगा सुन दे खाओगा क्या नहीं खाने का बस फिर तो ठीक है हम है ना रसेदार ही खाते हैं, ऐसी पतली पतली हमें सूखी सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वैसे भी मट्ठा नहीं है आज तो, कुछ इस तरह की रसेदार अच्छी रहेगी खाने में। आटा बना के रखा हुआ है, रोटी रोटी बनानी है, चलिए रोटी बना लेते हैं फिर मिलते हैं। मम्मी पता नहीं कहाँ गई, ताड़ा मार के है ही नहीं आज तो यहाँ। सारा काम खत्म हो गया मेरा, अब थोड़ी देर धूप में लेटती हूँ। एक भाई का एक बहन के लिए प्यार देखो बहन ने पानी मंगाया, भाई भर भर मग गया बाल्टी में गिर रहा ले जाने के लिए दूसरी बाल्टी में। ये दवाई है, ये पता नहीं ये कहीं था कहीं धर रखा है, इन्हें नहीं पता का घर में बाड़कों का साथ था, कहीं दवाई धरता है ये खेतों की किरक में, ये मुंह में दे लेता लुंडा। हो गया था मारा तो सारा काम, बस करो बस दे। ये बब्बो भाई के लाड धरने के लिए ले, ये मेरा बच्चा, इसके पेट पर चलाओगे क्या बाल्टी, चढ़ जाओ आप बैठ जाओ, आज इन्हें इतना बढ़िया काम करा, परी तुझे दिखाऊंगे भी वीडियो में। हाँ कोई बात नहीं, ये मेरा शेर, हाँ तो वहाँ मंडी देख वो देख क्या बना दी चूल्हा, ये तेरे भले हो जा बब्बू, ये देख ईख में गिरने की दवाई के पैकेट में थोड़ी बहुत दवाई होगी, ये खार अपने ठा लिया तो चोखा अपनी ना ध्यान दे लिया नहीं लूंडा हालत आई उसे कुछ समझ गया, बस पत्ते हैं लकड़ी है कारू है बाबू है, बाबू चूल्हा नहीं तुलसा का क्यारा बना ले, यहाँ बना ले अपनी, यहाँ जहाँ पे हमने तुलसा लगा के रखी हुई है पता नहीं वहाँ की कैसी मिट्टी है, बिल्कुल भी वहाँ पे तुलसा हो ही नहीं रही, फिर है ना अपनी कह रही मम्मी दूसरी कह रही मैं यहाँ बनाती हूँ यहाँ लगा के देखेंगे होती है या नहीं होती, अच्छी नहीं है अपनी ने बड़ी मेहनत करके ये घड़ा इसमें लगा दे बस, लाइट आ रही है लाइट मर जाएगी, मैंने कहा ठीक है चलो ऐसे ही कर लेना, ये तो बाद में भी जम खुशी तो खुशी माँ के बहुत क्या सिस्टम चल रहा, चाची ना दिया ऐसे तो ज़्यादा झुक रहा पहले की मुझे भी यार तुझे भी पेंटिंग तो कर रहा राड के ठूट कर रहा मेरी ला रहा अपने तो ने मट्टी ताड़ दी ना देख क्या कर रहा ले ऐसा अभी पानी भर दिया इसमें कर दी पेंटिंग, इसे मट्टी को लपेट और बुग्गी पता रहा बहुत जल्दी जो बच रही है उसे भी भर गया तो जरा सी खिंड भी रही, तेरी दादी नहीं धर दिखा दी अलग गोबरी गोबरी फिरती हो कमरे में।